भी जानते हैं डिप्रेशन एक ऐसी गंभीर बीमारी है जो कि किसी भी जिंदगी को बर्बाद कर सकती है। आज की डेट में बॉलीवुड एक्ट्रेस हो या फिर एक्टर हो, अगर अपने फ्लॉप करियर की बात करें, अपनी पर्सनल लाइफ की बात करें, प्रोफेशन खत्म करने की बात करें, तो कहीं ना कहीं वो भी डिप्रेशन जैसे बीमारी का शिकार होने से बच नहीं पाता। आज हम आपको एक ऐसा सच बताने वाले हैं जिसका खुलासा तनुश्री दत्ता ने खुद ही किया है। जी हाँ, सच ये है कि तनुश्री दत्ता जो 10 साल बाद दोबारा इंडिया लौटकर अपनी बीमारी के बारे में बात करती नजर आई, डिप्रेशन के बारे में बात करती नजर आई, उन्होंने खुद ही ये बात बताया कैसे वो इस तरह की गंभीर बीमारी का शिकार हुई थी। डिप्रेशन से जूझती भी तनुश्री दत्ता ने काफी कुछ सहा है और इस बारे में बोलते बोलते तनुश्री ने कुछ ऐसा सच भी खोला है जो शायद आप सबके रोंगटे खड़े कर दे। आश्रम में रह चुकी है तनुश्री दत्ता, संन्यास ले चुकी है तनुश्री दत्ता, ये सारी खबरें 10 साल के बीच काफी ज्यादा चर्चा में रही। लेकिन फिर 10 साल बाद जब तनुश्री दोबारा से बॉलीवुड इंडस्ट्री में कदम रखने के लिए आई, तो उन्होंने किस तरह से अपने घर के बारे में विदेश में रहने के उस एक्सपीरियंस को साझा करते हुए ये तक बताया कि बॉलीवुड इंडस्ट्री से दूर होना कई बार लोगों को इस तरह बढ़ने के लिए मजबूर कर देता है। लाइमलाइट से दूर रहकर भी वो अपनी जिंदगी में काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना कर रही थी। इस बारे में खुलासा करते हुए तनुश्री ने ये तक बताया है कि डिप्रेशन से किस तरह जूझकर उससे बाहर निकलना जरूरी है, क्या रीजन हो सकते हैं डिप्रेशन से गुजरने के, खुद ही जानते हैं तनुश्री दत्ता से। जो आपके अपने हैं उनको क्या रीजन रहा? मम्मी तो बहुत खुश है, मम्मी पापा बहुत खुश है, क्योंकि इस साल उनका अमेरिका जाने का कोई प्लान नहीं था, तो मैं यहाँ पे आ गई, तो दे आर वेरी हैप्पी। मम्मी रोज़ नए नए पकवान बना के मुझे खिला रही हैं। और बॉलीवुड में? बॉलीवुड में मैं सबके साथ टच में नहीं थी, ऑब्वियसली जब मैं काम कर रही थी तो मैंने थोड़ी बहुत जो फिल्में की तो थोड़े बहुत लोगों के साथ टच में थी, जो लोग मुझे पसंद थे उन्हीं के साथ मैंने टच में रखा, सबके साथ मैं टच में नहीं हूँ, तो एकाध लोग। और वैसे एक और चीज़ हो गई थी, जब मैं पहली बार आश्रम गई थी, जो मेरा ब्लैकबेरी था उसमें सारे मेरे कॉन्टैक्ट्स थे, वो ब्लैकबेरी खो गया, तो उसके बाद मैंने भी उस कॉन्टैक्ट को वापस लाने की कोशिश नहीं की। मैंने बोला ये प्रभु की इच्छा होगी कि मैं दूर ही रहूं इन सब चीज़ों से। तो अभी आके मैं नए लोगों से मिल रही हूं, एक्चुअली मैंने कई बहुत नए लोगों से मैं मिली हूं, मुझे अच्छा लग रहा है। मैडम, जैसा कि आपने कहा कि आपको भी 6 महीना हो रहा है रहना इंडिया में, तो आजकल चार पाँच महीने। हाँ, तो बेसिकली वेब सीरीज का दौर चल रहा है, तो आप फिल्मों के अलावा वेब सीरीज को देखेंगे या वेब सीरीज बनना चाहेंगे? किसी ने पूछा था मुझे रिसेंटली वेब सीरीज़ के बारे में, लेकिन ये सारा डिपेंड करता है कि मुझे प्रोजेक्ट पसंद आता है कि नहीं। और एक चीज़ मैं खास बोलना चाहती हूँ, मेरे ना मन से चीज़ें निकलती हैं। एक मैं एक उदाहरण देती हूँ, कुछ साल पहले किसी रियलिटी शो में मुझे उन्होंने फाइनल किया, बड़े टीवी चैनल का, और बहुत अच्छी खासी मोटी रकम दे रहे थे मुझे, और बोले आपको बस 4-5 घंटे के लिए आना है, जज करना है, बच्चों का कंपटीशन है और बस कुछ नहीं, हम आपका 4-5 घंटे में काम ख़त्म कर देंगे और 15-20 डेज़ का आपका काम है, और बहुत अच्छी रकम उन्होंने दी। मैं तो खुश हो गई, मैंने बोला ठीक है, काम ठीक है, आई विल डू दैट। फिल्में मुझे कुछ खास पसंद नहीं आ रही थी, तो वो मैं हाँ बोल के आगे आई घर और योग करने बैठी, ध्यान करने बैठी। मेरा उस वक्त आश्रम में आना जाना था, तो मेरा 4-5 घंटे का योगा का प्रोग्राम होता था, तो 4-5 घंटे ध्यान व्यान करके जब मैं ध्यान से बाहर निकली तो फर्स्ट थिंग मेरे मन में आया, चेक रिटर्न कर दो। मैंने बोला प्रभु नहीं, बहुत बहुत भारी रकम है, मुझे नहीं 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 रिटर्न करना चाहती, और चेक देके उन्होंने भेजा था मुझे, बोले नहीं चेक रिटर्न कर दो। अब क्यों मेरे मन में वो बात आई थी, आई न्यू गॉड स्पोक टू मी, आई डोंट नो, बट मैंने वापस जाके चेक रिटर्न कर दी। और बहुत बार लाइफ में ऐसा हुआ है कि कुछ आया है प्रोजेक्ट और बहुत ल्यूक्रेटिव प्रोजेक्ट है, बहुत पैसे मिलने वाले हैं, यू नो, और मन पे एक बात आई है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि वो गलत है मेरे लिए या गलत है किसी और के लिए, मेरे लिए उस वक्त शायद कुछ और है। मैंने क्या किया, उस रियलिटी शो को छोड़ के मैं लद्दाख गई साइकिलिंग करने, मनाली टू लद्दाख मैंने कितने किलोमीटर्स, मैंने 550 किलोमीटर मैंने साइकिलिंग की मनाली टू लद्दाख, ग्रुप में गई थी और पैसे देके गई थी, यहाँ मैंने चेक रिटर्न किया और वहाँ खुद के पास पैसे देकर मैं साइकिलिंग मैंने की। लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकती, मैंने लगा मुझे मैंने जन्नत छू लिया वहाँ पे वो साइकिलिंग करके। तो कभी कभी मुझसे ये सारा करवा देते हैं भगवान जी, यू नो, तो
तो ये भी एक फैक्टर है कि प्रोजेक्ट अगर आएगा भी, पसंद भी आएगा, लेकिन मेरे दिल से बात निकलेगी ये नहीं और अभी नहीं, तो फिर मुझे उसको मना करना पड़ेगा और शायद किसी और के पास चला जाएगा और अच्छा ही प्रोजेक्ट होगा. तो वो एक फैक्टर है, मुझे वो फैक्टर इन करना पड़ता है. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, आई रियली डोंट नो. एक बात सच में बताऊँ, मुझे पता नहीं कि मैं क्यों आई हूँ, बिकॉज मेरा आने का कोई प्लान ही नहीं था. मैं तो वहाँ पे सबर्ब्स में शिफ्ट हो गई थी. दो साल सिटी में रहने के बाद मैं फाइनली सेटल हो चुकी थी, मेरा ग्रीन कार्ड आ चुका था, मेरा वहाँ पे काम वाम सब अच्छा चल रहा था, और मैंने सोचा सबर्ब्स में एक कोने वाला एक बहुत सुंदर सा अपार्टमेंट लेके मैं वहाँ पे सेटल हो जाती हूँ और फिर बस आगे चलता रहेगा, मम्मी पापा आते रहेंगे. कैसे सिचुएशन ऐसी हुई कि मैं फिर यहाँ पे आ गई, तो मेरा कोई मोटिव नहीं था आने का. तो आई रियली डोंट नो, आई एम गोइंग विद द फ्लो. कोई पर्पस तो होगा ज़रूर, उसको ही पता है कि क्या पर्पस है, एंड आई रियली डोंट नो, बट आई एम एंजॉइंग इट, यू नो, जो भी है. उनके आश्रम में तो मैं कभी गई नहीं हूँ, लेकिन मैंने ओशो के काफ़ी बुक्स पढ़े हैं और उनका जो अध्यात्म, जो उनके नज़रिए से जो भी उन्होंने कहा है, मैंने उनकी भी बुक्स पढ़ी है. मैंने सभी के बुक्स पढ़े हैं, ऐसा कोई धर्म नहीं है जो मैंने पढ़ा नहीं है, ऐसे कोई गुरुजी नहीं है जिनकी मैंने बुक्स पढ़ी नहीं है, एकाध टोले से लेकर सब मैंने पढ़ा है. एक वक्त था जो मुझ में इतनी भूख थी कि मैं 8-8 घंटे मैं एक टीवी चैनल आता है ना गॉड टीवी करके, उसमें पैस्टर्स वो सरमन देते हैं बाइबल के बारे में, मैं 8-8 घंटे योग ध्यान अध्यात्म से रिलेटेड मैं चीज़ों का, मैं ऐसे मुझे लगता है कि मैं जन्म जन्म से भूखी हूँ और मुझे खाना चाहिए, और मैं 8-8 घंटे अध्यात्म रिलेटेड चीज़ों में मैं इन्वॉल्व होती थी. तो मैं जब मिलती हूँ लोगों से, मैं इम्पोज़ नहीं करती हूँ अपना कुछ उनके ऊपर, क्योंकि बहुत सारे लोग मैंने देखा है उनको इन सब चीज़ों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है. तो मैं एज ए ह्यूमन बींग मैं इंटरेक्ट करती हूँ, मैं डेमोन्स्ट्रेट करती हूँ जो मैंने सीखा है और जो मैंने पाया है, उसको मैं एक प्रवचन के हिसाब से मैं थोपना नहीं चाहती हूँ किसी के ऊपर, और उसका शायद असर भी नहीं होगा. लेकिन जिसको चाहिए, जिसको सुनना है, मैं उसको बोल सकती हूँ, अगर कुछ पूछना है तो पूछ लो, मैं मुझे जितना पता है मैं बोल दूँगी. लेकिन मैं अपनी जीवन से, अपनी लाइफ से ये डेमोन्स्ट्रेट मैं करूँगी जो ज़रूरी है आज की डेट में. और ये भी मैं बोलना चाहती हूँ कि आज की डेट में हमारे कंट्री में बहुत यंग लोग हैं जो सुसाइड कर रहे हैं, जो हार मान के ज़िंदगी से ही वो ऑफ हो रहे हैं. और मैं भी उस एज में थी एक टाइम पे जब मैं भी बहुत दुखी थी, मेरे लाइफ में भी मुझे लग रहा था कि कुछ नहीं हो रहा है, या फिर कंट्रोवर्सी कुछ हो गई या कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो आपको लगने लगता है कि अरे यार सब खत्म हो गया. ये छलावा है, क्योंकि आपकी लाइफ में चाहे कितना कुछ अच्छा चल रहा है, एक चीज़ अगर ख़राब हो जाती है पर्सनल लाइफ में, किसी ने बंदे ने धोखा दे दिया, या किसी दोस्त के साथ कुछ अनबन हो गई, या फिर कुछ करियर में कुछ एक चीज़ कुछ हो गया, आपको लगने लगता है ये पूरा आपकी ज़िंदगी कंज्यूम हो गई. दैट इज़ नॉट ट्रू. अगर आप उसको दूर से देखें तो ये एक छोटा सा हिस्सा है, वो पार हो जाएगा. लेकिन जो यंग होते हैं वो उस तरह से नहीं सोच पाते. ये विजडम एज के साथ आती है, समय के साथ आती है. अगर आप ज़िंदा रह गए तो आप एक दिन उसको पीछे मुड़ के देखोगे ज़रूर कि अरे यार वो तो मुझे बर्बाद कर देती वो सिचुएशन, या मैं तो मर ही गई थी या मर ही गया था, लेकिन मैंने वो डिसीजन नहीं लिया अपने आप को हानि पहुंचाने का, तो आज मैं मुड़ के देख रहा हूँ तो अरे यार वो तो पार हो गया. तो ये चीज़ मैं डेमोन्स्ट्रेट कर रही हूँ, क्योंकि सबको पता है इस कंट्री में कि मेरे ऊपर से कितना कुछ निकला है. सन्यासी बनने पर बॉलीवुड एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता का क्या कहना है, सोच रहे होंगे आप. तो इस पर खुद तनुश्री दत्ता ने हाल ही में खुलासा किया. वायरल हो रहा है वो इंटरव्यू जिसमें तनुश्री दत्ता नाना पाटेकर के खिलाफ अपने स्टेटमेंट को फिर से दोहराने के लिए पहुंची थी. बता दें आपको, खुलकर अपने बयान को रिकॉर्ड करने के बाद तनुश्री दत्ता ने अपनी कॉन्फिडेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ सबको चौंका दिया. नाना पाटेकर को पूरी तरह अपने स्टेटमेंट्स के जरिए फंसा कर, नीचू मामले में फंसा चुकी है तनुश्री, ऐसा कहा जा रहा है. तो वही
उनका खुलासा है सन्यासी बनने पर कि वो सन्यासी बनने को लेकर जो भी बातें कह चुकी हैं उसमें कोई दो राय नहीं। जो पिछले 10 सालों से बॉलीवुड से गायब रही, बॉलीवुड इंडस्ट्री से दूर रही, उन्होंने विदेश में जाकर डिप्रेशन से खुद को निकालने में काफी ज्यादा मदद की सन्यास के जरिए।